हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, क्या बताऊं, इसके बहुत सारे नाम हैं। वैसे तो मैं बसंत पंचमी पे स्पेशल ये मीठे चावल की रेसिपी लेकर के आई हूं, क्योंकि जो सरस्वती माँ है उन्हें चावल का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए आज मैं चावल का प्रसाद का या भोग का जो भी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी सरस्वती माँ का या बसंत पंचमी पे भोग बढ़ता है तो या तो खिचड़ी का भोग बढ़ता है जो कि चावल के बने होते हैं, या फिर ये मीठे चावल की भोग बढ़ती हैं जो कि ये भी चावल की ही होती हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि सरस्वती माँ को चावल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और साथ ही साथ क्योंकि हम भोग बना रहे हैं तो ये मीठा है, तो इसलिए अगर इस बसंत पंचमी पे आप अगर कोई भी प्रसाद बनाने का सोच रहे हैं तो इस मीठे चावल के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा इसे स्वादिष्ट बनाया है, कैसे बनाया है अगर देखना चाहते हैं तो चलिए फिर आगे वीडियो को देख लीजिए। तो स्वीट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बर्तन, और उस बर्तन में मैंने लिया है एक कटोरी चावल। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं जो कि आप खाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डाल करके अच्छे से हम इसे पहले धो लेंगे। जी हाँ, 2 से 3 बार आप इसे अच्छे से धो लें। अब पानी को निकालने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जी हाँ, मैं इसमें कोई भी कलर आज ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये कलर नुकसान देता है हमें, तो इस वजह से मैं कलर आज यूज़ नहीं कर रही। आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल करके इसे मिक्स कर दीजिए, और अब मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे। चावल में अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो इसलिए आपको अच्छे पानी से जो आप पीते हैं ना वो पानी यूज़ कीजिएगा। अब चलिए इधर चढ़ाते हैं हम कुकर। जी हाँ, मैं कुकर में बहुत ही फटाफट आपको आज पुलाव बना करके दिखाने वाली हूँ। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मेल्ट होना चाहिए, तो उसमें मैं थोड़े से डाल दूँगी काजू। इसी के साथ मैं थोड़े से इसमें डालूँगी किशमिश। थोड़े से मैं इसमें बारीक काट करके बादाम डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़े से 5 से 6 लौंग डाल रही हूँ। इसी के साथ 3 से 4 इलायची, छोटी इलायची। अब यहाँ पे मैंने लिया है दालचीनी और थोड़ा सा जावित्री। इससे जो पुलाव का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये देखिए, अब इन्हें हम हल्का भून लेंगे। जब इनका हल्का कलर चेंज हो जाए ना, तो फिर ये देखिए आपको दिख रहा होगा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके कलर हल्के से चेंज हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो चावल को हमने धो करके और उसमें हल्दी डाल करके साइड पर रखा था ना, उसी चावल को हमें इसमें डाल देना, और जो थोड़ा भी बहुत पानी भी होगा ना तो कोई टेंशन नहीं है, उसे भी आप इसमें डाल दें। और अब डालने के बाद अब हम इसे, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी बिल्कुल भी हाई फ्लेम मत कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ये सारा काम आपको करना है। जब आप चावल को डाल देंगे इसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, और इसके बाद आपको चावल को अच्छे से चलाते रहना है कंटिन्यू, वरना जो चावल है ना वो नीचे से चिपक सकते हैं या फिर जल भी सकते हैं। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर आप इसे कंटिन्यू चलाइएगा। जब चावल हल्का थोड़ा सा हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम हल्का सा, तो फिर ये देखिए जो भी चावल ये हो चुका है मेरा, है ना, तो अब यहाँ पर मैं इसमें डालने वाली हूँ चीनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी जितना चीनी। जी हाँ, 1 कटोरी चावल में 1 कटोरी चीनी। मीठा पुलाव बना रहे हैं इसलिए मिठास में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही मीठा बनाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 कटोरी चीनी डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर चुके हैं, अच्छे से एक बार चला चुके हैं, है ना, और चीनी अभी तक हमारी मेल्ट नहीं हुई है, मेल्ट करना भी नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी दूध मलाई के साथ में, और 1 कटोरी और दूध, यानी कि मैंने 2 कटोरी दूध लिया है। 1 कटोरी चावल में मैंने 2 कटोरी दूध लिया है। अब इसे डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मिक्स हो भी गया है, और आप कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है। तो अब क्या करना है, ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसे मीठे चावल, स्वीट पुलाव, स्वीट राइस और गर्दा पुलाव, इन सभी नामों से इसे बुलाया जाता है। तो ये देखिए हमारे जो मीठे चावल हैं बनकर के तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि जो दाने हैं वो भी एकदम अलग अलग दिख रहे हैं ना, जबकि हमने इसे कुकर में बनाया है। तो ये थी मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।